भागलपुर जमालपुर रेलखंड के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज के समीप डाउन क्यूल मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि इस दौरान जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। सुल्तानगंज के समीप हुई घटना के बाद भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर 50 मिनट तक परिचालन पूरी तरह ठप रहा। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही सुल्तानगंज स्टेशन मास्टर दीपक कुमार ब्रेल ट्रेलर ट्रेन लेकर मालदा इंटरसिटी रेल के इंजीनियरों के साथ मौके पर पहुंचे। ट्रेन में आई खराबी को दूर कर उसे गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया। रेल यात्रियों ने बताया कि ट्रेन दो भाग में विभक्त हो गई और चार बोगी अलग हो गई। वहीं स्टेशन मास्टर ने बताया कि भूकंप के कारण ट्रेन के एक जोड़ी बोगी को जोड़ने वाला नट ढीला रह गया, जिस कारण ट्रेन दो भाग में बट गया। रेल के इंजीनियर की मदद से ट्रेन के सभी बोगियों को जोड़ दिया गया और 50 मिनट बाद सुल्तानगंज जमालपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ किया जा सका। क्या हुआ था मालदा इंटरसिटी में? 34.09 जो है ना, दो पार्ट में बट गया था। जी जी जी, भूकंप लगने के बाद ना दो पार्ट में गाड़ी बट जाता है। तो क्या लग रहा कि नट बोल्ट जो कसा गया था वो लूज होगा या वो तो टेक्निकली चीज हुआ? जी जी, दो पार्ट में मिला। जैसे ही जानकारी मिली, दल बल के साथ गए और गाड़ी को 11:34 में खुलवा दिया। कितने घंटे बाद सर परिचालन? गाड़ी तो लगभग कितना 10:44 में आई थी, 10:44 में पार्ट हुआ और 11:34 में गाड़ी खुला है। ये कहाँ पे घटना घटी? किलोमीटर है अप में 330 का 27, 330 के 31 पर। तो परिचालन चालू कर दिया गया सर? 330 के 27 पोल जो है ना। भागलपुर के नवगछिया पहुंचे पप्पू यादव ने जहरीली शराब से हो रही मौतों पर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उन्होंने जिद छोड़ने को कहा। पप्पू यादव ने कहा कि किसी भी पॉलिसी में समय समय पर बदलाव होता है। नीतीश जी का प्रयास गलत नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी पूरे देश में है, सिर्फ बिहार में नहीं। जहरीली शराब से सबसे ज्यादा प्रताड़ित दलित हो रहा है। शराब की आड़ में गरीबों को प्रताड़ित करना बंद करना होगा। आम लोगों को शराब के नाम पर पुलिस प्रताड़ित कर रही है। किसी एक जिद के लिए 6 लाख आदमी जेल जाए जो गरीब और मध्यम वर्ग है। पासी समाज को परेशान किया जा रहा है। ताड़ी में क्या परेशानी है? ताड़ी बंद करने का क्या कानून है? मैं ऐसे कानून का जबरदस्त विरोध करता हूं। शराब जैसी पॉलिसी में 80% टैक्स बढ़ा दीजिए। जमीन बालू के बाद सबसे ज्यादा हत्या शराब के कारण हो रही है। शराब से इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। जो राष्ट्र विकास में लगना चाहिए वो माफिया नेता पदाधिकारी को जा रहा है। दरोगा को निलंबित कर SP को छोड़ दिया जाता है। शराब के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गरीब और पासी समाज को बर्बाद किया जा रहा है। जिद छोड़नी चाहिए। कोई भी पॉलिसी लोकसभा और विधानसभा समय समय पर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आया। हम कानून बनाते हैं अच्छा के लिए। नीतीश कुमार ने कानून देखिए, दयानंद सरस्वती और सहजानंद जी का और वक्त नहीं है अभी। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस को भगवान होता और पब्लिक के पास कहता कि मैं भगवान हूँ, गांधी हूँ, कहता क्या भगवान जब मैं माल छ। और इस बात को कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी का जो प्रयास है वो गलत नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी सिर्फ बिहार में नहीं ना है कि पूरे कंट्री में कानून कोई आप ऐसी कानून पॉलिसी जो कंट्री के लिए है वो एक पॉलिसी होगी ना। आप गुजरात में लीकर शुरू हो गई, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इसको लीकर शुरू कर दो। मैं बार बार कहता हूं कि जहरीली शराब के कारण सबसे ज्यादा प्रताड़ित दलित हो रहे हैं। शराब के आड़ में किसी भी कीमत पर जहरीली शराब या शराब के आड़ में आप दलितों को प्रताड़ित और गरीबों को प्रताड़ित करना बंद करना होगा। सर सबसे ज्यादा पुलिस थाना DSP इंस्पेक्टर आम लोगों को प्रताड़ित कर रहा है शराब के नाम पर। ये मैंने कई बार कहा, ये जुल्म है। किसी एक जिद के लिए 6 लाख आदमी जेल चला जाए और वो कंप्लीट रूप से गरीब और मिडिल क्लास और आम आदमी, हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। दूसरी चीज कोरेक्स ड्रग्स एसमैक्स वाटर इंसुलेशन, ये शराब से ज्यादा 90-95% यूथ के हाथ में जाते हैं। तीसरी चीज शराब को बेचवाने के नाम पर आप पासी को आप तंग कर रहे हैं। काय तारी में क्या प्रॉब्लम? ये कौन सा कानून तारी बंद कर? क्या बिहार सरकार की पॉलिसी में तारी बंद हो गया?
फिर पासी समाज को आप जेल क्यों भेज रहे हैं? फिर पासी समाज को तारी भेजने से आप पाबंद क्यों कर रहे हैं? मैं जबरदस्त विरोध करता हूं ऐसे कानून का जो किसी के रोजगार और अधिकार पर हमला करता हूं। मिशन 60 के तहत भागलपुर के जयप्रकाश नारायण सदर अस्पताल परिसर में राज्य स्वास्थ्य समिति पटना के डिप्टी डायरेक्टर रंजन कुमार व डॉक्टर अबोली गोरे की 2 सदस्यीय टीम पहुंची। इस दौरान टीम ने अस्पताल परिसर में मरीजों की स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान टीम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, गार्डन के अलावे गायनिक विभाग के साथ साथ नव निर्मित भवन स्थलों का जायजा लिया। उन्होंने परिसर में बनाए गए वाहन पार्किंग स्थल का भी जायजा लिया। इस दौरान टीम ने सीएस व डीपीएम मोहम्मद फैजान को व्यवस्था को लेकर कई सुझाव दिशा निर्देश भी दिए। टीम का नेतृत्व सीएच डॉक्टर उमेश शर्मा और डीपीएम कर रहे थे। इस क्रम में टीम ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि अस्पताल परिसर में हुए बदलाव के साथ साथ आने वाले दिनों में और बेहतर करने की ओर अस्पताल अग्रसर है। वर्तमान सरकार के द्वारा लोक कल्याण के लिए समस्त अस्पताल को सभी सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं टीम ने गार्ड परिसर में लगे चेयर पर बैठकर गार्डन को बेहतर बनाने के सुझाव भी दिए। इस दौरान क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक रूप नारायण शर्मा, डॉक्टर राजू कुमार, क्षेत्रीय लेखा प्रबंधक मोहम्मद आसिफ हुसैन, क्षेत्रीय अनुश्रवण पदाधिकारी राहुल सिंह, हेल्थ मैनेजर मोहम्मद जावेद सहित दर्जनों अस्पताल कर्मी मौजूद थे। आप देख रहे हैं ना, तो अस्पताल आपको परिवर्तन लगातार रहेगा। बिल्कुल रहेगा, उसी के लिए काम चल रहा है कि जो अभी जो मुहिम शुरू की है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने, वो मुहिम आगे भी चले, लोगों को अच्छी सुविधाएं, साफ सुथरा अस्पताल मिले, सेवाएं भी अच्छी मिले। और तो ये सब जो भागलपुर अस्पताल की सर हैं, फैजान जी हैं, बाकी और जो टीम है, वो इसी कार्य में प्रयासरत है कि आगे भी इस बात को। और आप देख रहे हैं वो कितने गौरव के साथ अपना अस्पताल घुमा रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। तो आपको लगता है कि जो अपनी चीज़ को कोई ख़राब करेगा, इसको तो आगे बढ़ते जाना है। 60 दिन वो और अच्छे तरीके से मिलेगी, तो चीज़ें सुधार आपको दिख रहा है और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये चल रहा है। आपको कुछ दिनों में जो है और अच्छी व्यवस्था यहाँ आपको देखने को मिलेगी। देखिए पहले होते थे क्या कि कोई भी मरीज जो है अस्पताल आने में झिझक होता था, ना टॉयलेट क्लीन रहते थे वैसे, ना बैठने की व्यवस्था, ना जो है क्राउड इतना रहता था, वो स्कैटर्ड था। अब आप देख रहे होंगे कि कोई भी हमारे हॉस्पिटल प्रीमिसेस में घूमने के लिए भी आ जाता है कि चलो जरा घूम के आते हैं, अच्छा है। तो पहली बात तो जब मरीज आता है अंदर और उसको जब व्यवस्था व्यवस्थित दिखती है और लोगों का बिहेवियर देखता है, हाँ, जब आपको रेस्पॉन्ड मिलता है तो आप थोड़ी तो ठीक उसी समय हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये थी कि आप मरीज आए तो उनको वो फीलिंग हो, वो फीलिंग आ रहा है। दूसरी बात, अब जो है यहाँ जो है जो डॉक्टर्स हैं वो ऑन ड्यूटी रहें, अवेलेबल मेडिसिन अवेलेबल रहें, ताकि जो है उनको इलाज भी मिले और मेडिसिन भी लेके जाएँ। तो उस ओर भी बहुत हद तक फोकस गया है। और अब जो भी अभी हम कुछ पेशेंट हैं उनसे भी पूछेंगे कि उनको कोई परेशानी हो रही है नहीं हो रही है, यदि किसी तरह का दिक्कत मिलता है तो उस पर भी काम किया जाएगा। अभी हम लोगों ने एक दो जो है पेशेंट से पूछा भी, वो यहाँ की सेवा से संतुष्ट है। हो सकता है कुछ को कुछ प्रॉब्लम रहा हो। तो देखिए ग्रेजुअल ये चीज़ चल रही है, जो हमें फीडबैक मिल रहा है, अभी आपसे जो फीडबैक मिलेगा उस पर भी जाके जो है एक्शन होगा, ठीक है। सो काम किया जा रहा है, हाँ, हमें आपके भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, पूरे टीम को सपोर्ट की ज़रूरत होगी कि जो रियल सिनेरियो हैं उनसे इनको भी अवगत कराएं, ताकि उस पर ये जो है प्रोएक्टिव होकर काम कर सके। पीरपैंती थाना क्षेत्र के सिंघिया पुल के पास 3 दिसंबर की शाम नीलम देवी को शकील मियां नाम के अपराधी के द्वारा चाकू से कई वार कर हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस के द्वारा घटना के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। घटना के बाद मामले को लेकर नेताओं का पीड़ित परिवार से मिलने का सिलसिला भी जारी है। इसी क्रम में जाप प्रमुख पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, पीड़ित परिवार से घटना को लेकर जानकारी ली और उसके साथ साथ 50,000 रुपये मदद के रूप में परिवार को दिया। बेटी की शादी के समय 1,00,000 रुपये देने की भी कही। घटना को लेकर स्पीडी ट्रायल के तहत दोषी को फांसी की सजा दिलाने के लिए कोर्ट में मदद करने की बात कही है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने ऐलान किया है कि अपराधियों को पुलिसकर्मी इनकाउंटर करके मारेंगे तो इन्हें इनके द्वारा इनाम दिया जाएगा। वहीं मृतिका की बेटी का कहना है कि घटना के बाद आज किसी नेता के द्वारा पहली बार मदद की गई है। कोई पैसे के लिए हत्या नहीं है, ये कम्प्लीट रूप से जबरदस्ती एक साइको एक
गलत आदमी था जिसने, मैंने 2 महीने से गलत तरीके से बैठता था, उसका प्रतिकार, उसका विरोध किया गया, उसके हस्बैंड ने विरोध किया। नफरत और गुस्से की मौत है भैया, लगातार व्यवस्था। अरे घटना घटती है, घटना घटती है तो रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, करिएगा मोदी गोदी, सरकार से कोई लाठी ले लिया है ना, कोई कानून बनता है समाज के खिलाफ बनना चाहिए। कानून जितना है ना वही कानून पप्पू यादव को दे दो ना, ये कोठोर पुलिस का रैपल में गोली बचेगा तो हम सला दोगला का पैदाइश होंगे। स्पीडी ट्रायल की बात की गई थी लेकिन सर मैं जाऊंगा कोर्ट, सरकार नहीं करी तो हम कोर्ट जाएंगे और क्लियर बात करेंगे, आप बेफिक्र। आज आपने मदद भी कुछ की है सर, मैं इस बच्ची की शादी के लिए 1 लाख रुपया 1 महीना पहले मेरे नॉलेज में आएगा मैं दूंगा तत्काल। जो एक छोटा सा दुकान, गरीब आदमी है, मजदूर है, जिसकी माँ दुकान पे काम करती थी, पिता मजदूरी करता था, तो दुकान को ही एक पूंजी और लगा के अपने 3 बच्चों को वो पढ़ा पाए, इसीलिए मैंने मदद की। जो काम सरकार को करना चाहिए सरकार नहीं कर पाती है तो वहाँ पप्पू यादव को करना पड़ता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये कब तक, कभी अरवल, कभी दियरा, कल मोदी यादव के भाई को, मुखिया के भाई को मार दिया दीने में, साधारण सा सीधा लड़का था, थाना के 100 मीटर पर 7 गोली मार दिया, एक बस स्टैंड के किरानी को मार दिया, लगातार लगातार पटना में कल ढुक के मार दिया। भैया हमारी सरकार को चैलेंज में सबसे पहले इन माफ दिखी, जब आप माफियाओं के भरोसे सिस्टम में आना चाहिएगा, सत्ता में आइएगा, 56 और 47 वाले को टिकट दीजिएगा, बालू शराब माफिया जमीन माफिया को आप अपने घर में बैठाइएगा, और मिडिल क्लास गरीब और आम आदमी की ज़िंदगी नहीं रहेगी और उसका रेस्पेक्ट नहीं बचेगा तो समाज नहीं बचेगा, और समाज की यही स्थिति हो गई है। क्या लगता है अपराधियों का बोलबाला है और पुलिस कहीं नहीं? मैं आपको पहले कहा कि सरकार तो बदली लेकिन सिस्टम की मानसिकता नहीं बदली। ये जो दरोगा थाना ये सिंडिकेट चलाते हैं, जमीन का पैसा लो, शराब का लो, गंगा का लो, गिट्टी का लो, बालू का लो, और नेता माफियाओं का प्रोटेक्शन वहाँ रहता है तो आम आदमी की सुरक्षा कौन करेगा? ये जो दरोगा थाना ये सिंडिकेट चलाते हैं, जमीन का पैसा लो, शराब का लो, गंगा का लो, गिट्टी का लो, बालू का लो, और नेता माफियाओं का प्रोटेक्शन वहाँ रहता है तो आम आदमी की सुरक्षा कौन करेगा? जब आप बगल में झारखंड से शराब टपाइएगा बंगाल से और उसी पैसे में वसूले रहिएगा, अब हर दिन गिट्टी या इस पार उस पार नदी आम आदमी का नाव को डुबा दीजिएगा और माफियाओं के डबल ट्रक को एकदम ओवरलोडिंग ले जाइएगा, और नदी के किनारे रहने वाले जो ट्रैक्टर वाले हैं, छोटे छोटे किसान हैं, जो काम करके ज़िंदगी जीता था उसको आप तबाह कर दिए, 1,32,00,000 लोगों को बेरोज़गार कर दिया आपने नदी के किनारे को। सर आप छपरा दानापुर में कभी सोचते हैं कि उन्हें सुने मर्डर होती है? कभी आप सोचते हैं कि बक्सर से लेकर के डेहरी में जितनी जाति उसमें सबसे ज़्यादा जाति यादव है, उसके बाद राजपूत है, और उस पेशा को आपने पेट पर लात मार दिया, ये कैसे संभव है यार? तो जो स्थिति है, जब तक आप अपराधी माफियाओं को सिस्टम का हिस्सा बनाइएगा और उसके घर में बैठाइएगा तब तक ऐसी वारदात को नहीं रोक पाइएगा, क्योंकि समाज को लगता है कि हम क्यों लड़ें, मेरी क्या वैल्यू है, क्योंकि नेताओं को लगता है कि आम आदमी से वोट से बेहतर है अपराधी माफियाओं को पकड़ो और इसी के माध्यम से वोट। भागलपुर पुलिस और मुंगेर एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भागलपुर जिले के सहकुंड थाना क्षेत्र के किशनपुर से 4 अपराधियों को गैर लाइसेंसी राइफल और 6 जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर कुमार गौरव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एसटीएफ टीम मुंगेर के द्वारा सहकुंड थाना आकर सूचित किया गया कि सहकुंड थाना क्षेत्र के किशनपुर घुसकी टोला में सुशील प्रसाद सिंह के घर पर अपराधियों का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी अपराधी हथियार से लैस है जो किसी आपराधिक घटना करने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना पर सहकुंड थाना एवं एसटीएफ जमालपुर मुंगेर टीम के द्वारा घुसकी टोला सुनील प्रसाद सिंह के घर पर पहुंचकर छापेमारी की गई।
छापेमारी के दौरान सुनील प्रसाद सिंह के घर पर पवन कुमार, जितेंद्र प्रसाद सिंह, हवेली खड़गपुर से रोहित कुमार, विशाल कुमार और किशनपुर घुसकी टोला छोटू कुमार दास को अवैध आग्नेयास्त्र एवं गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2 315 बोर राइफल, 6 बोर जिंदा कारतूस एवं 3 मोबाइल बरामद किया गया है। इस अभियान में एसटीएफ टीम, जमालपुर मुंगेर शाहकुंड थाना अध्यक्ष पंकज कुमार झा, एसआई श्याम सुंदर सिंह एवं थाना रिजर्व गार्ड पुलिसकर्मी शामिल थे। जी, ऐसा जैसे कि मैंने बताया कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, जिस तरीके से मुंगेर के भी कुछ लोग यहाँ पे थे और कहीं ना कहीं मुंगेर से भी लिंक है, और उस मुंगेर से पीछे भी अगर कोई बैकवर्ड लिंकेज होता है तो उसका भी हम लोग शीघ्र अतिशीघ्र इस पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके मीडिया के सामने रखेंगे। नक्सली से कोई साठगांठ नहीं है? देखिए, अभी तो जैसे अभी तक तो कुछ ऐसी बात नहीं आई है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और जैसे भी कुछ ऐसा होता है इन्वेस्टिगेशन में आता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे विधिवत। ये लोग अपराधी लोग पूछताछ में कोई जानकारी? देखिए, अभी तो इन्होंने कुछ बैकवर्ड लिंकेज के बारे में बताया है तो वहाँ पे हम लोग जो है उस पर दबिश करेंगे बैकवर्ड लिंकेज पे। तो अभी जी कुछ जानकारी मिली है उसके ऊपर हम लोग और एसटीएफ जो है वो काम कर रही है। नगर निगम चुनाव से संबंधित नहीं? नहीं, उससे अभी तो जैसे कि मैंने बताया कि हर एक एंगल से हम लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, तो अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं है। मुंगेर मिर्जाचकी फोर लेन निर्माण में समय समय पर रेतों ने कार्य में अड़ंगा लगाया है, जिसे हर संभव दूर करने का प्रयास प्रशासनिक स्तर पर किया जा रहा है। ताजा मामला कहलगांव के एक चारी रसूलपुर का है। यहां पूरब टोला में किसान भागवत यादव और विकास यादव ने मुआवजे की मांग को लेकर कार्य को रोक दिया है, जिसके बाद मौके पर कहलगांव एसडीओ पहुंचे। एसडीओ और रैयतों के बीच काफी देर तक नोकझोंक हुआ। दोनों के बीच हो रहे विवाद के चंद मिनट बाद ही डीएम की गाड़ी पहुंची और डीएम ने रैयत को समझा बुझाकर मामला शांत किया। फोर लेन में जमीन गए किसान भगवत यादव और विकास यादव ने कहा कि जमीन तो सरकार ने ले ली है, मुआवजे के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है, कई महीनों से चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं और मुआवजा नहीं मिला है, इस वजह से कार्य को रोका तो एसडीओ ने जबरदस्ती खेत में गाड़ी चलाने की बात कही। वहीं इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने कहा कि विवाद जैसी कोई बात नहीं है, जो रैयत बचे हैं, मृत पंचायती का मामला है, इसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता होती है, 50 लाख से अधिक के भुगतान के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आज भागलपुर के रसलपुर तक निरीक्षण किया गया है, कुछ मामले हैं जैसे आपसी विवाद और मुआवजे को लेकर समस्या थी तो शुक्रवार को शंकरपुर में कैंप लगाकर निराकरण करके एक सप्ताह में भुगतान करा दिया जाएगा। पिछले 6 महीनों में 550 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। भागलपुर जिले में काम हो रहा है फोर लेन का, पैकेज 2, 3 और 4 में। तो पैकेज 2 में हम लोगों ने फरवरी मार्च में ही भागलपुर से लेकर के सुल्तानगंज तक बाय रोड जो है अलाइनमेंट, जो हम लोगों का नया जमीन जहां अधिग्रहण हुआ है उस पर हम लोगों ने ट्रेवल किया था और बहुत तेज गति से काम चल रहा है। पैकेज 3 में भी काम चल रहा था लेकिन विभिन्न कारणों से हम लोग नहीं आ पा रहे थे, तो आज हम लोग भागलपुर से जो रसूलपुर तक जहां पैकेज 3 खत्म होगा वो हम लोगों ने उसी अलाइनमेंट पर अपनी गाड़ी के माध्यम से जो कार्य चल रहा है उसको भी देखा और जहां जहां रैयतों की समस्या थी उससे भी हम लोगों ने रैयतों से भी बात किया, लेकिन पैकेज 3 में काम जो है काफ़ी अच्छा है। और उसके उसमें कुछ जैसे लैलक है सबौर में या शंकरपुर कोदवार है, वहाँ पे जो है कुछ रैयतों ने बताया कि उनको भुगतान नहीं हुआ है, मतलब बहुत कम रैयत है, तो शुक्रवार को हम लोग उसमें कैंप लगा देंगे। उसमें DLO, अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अमीन कर्मचारी सब लोग रहेंगे और जिनको भी भुगतान नहीं हुआ, जिनका लेजिटिमेट भुगतान है, उसको हम लोग भुगतान जो है निश्चित रूप से अगले एक सप्ताह में करा देंगे। वैसे पैकेज 3 में कहीं कोई समस्या नहीं है, सबसे भी दिया जाएगा, लेकिन आप लोग सब लोग जानते हैं कि पिछले 6-7 महीने में हम लोगों ने काफी भुगतान किया है, लगभग 550 करोड़ रुपए का भुगतान जो है इस जिले में हो चुका है रैयतों को, और ये पूरा इसमें कहलगांव अनुमंडल भी है और सदर अनुमंडल भी है, और ये पिछले 6-7 महीने की प्रगति है और इसी का परिणाम है कि आज हम लोग भागलपुर से उस अलाइनमेंट पे सुल्तानगंज भी पहुंच जा रहे हैं और आज उसी अलाइनमेंट से हम लोग चल करके कहलगांव भी आए हैं। लेकिन मृत पंचायती का, मृत पंचायती वाले में देखिए उसमें समझना होगा, अगर कोई व्यक्ति ने किसी से जमीन खरीदा है, ठीक है, और जिससे खरीदा है उसी का नाम अगर उसमें आ गया है पंचायत में और उनकी मृत्यु हो गई है, तब तो वो करेक्शन करके DLO उसमें आदेश पारित कर देंगे, लेकिन अगर पंचायत घोषित जिनके नाम से हुआ है वो उन्हीं की जमीन है और उनकी मृत्यु हो गई है, तब उसमें फिर DLO निर्णय लेंगे और उसमें सक्सेशन सर्टिफिकेट की
आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ऐसे मामले बहुत कम रह गए, मतलब मेरे ख्याल से 40-50 मामले ही होंगे और इसके कारण कोई हम लोगों का काम बाधित नहीं है। भागलपुर शहर में 2007 में जब बिजली और पानी की किल्लत थी, लोग काफी परेशान थे, तब युवा कांग्रेस के द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था। उस प्रदर्शन के दौरान बिजली विभाग के महाप्रबंधक के ऊपर मोबिल डाल दी गई थी और कालिख पोत दिया गया था। उस केस में मुख्य अभियुक्त के रूप में बिपिन बिहारी यादव को नामजद बनाया गया था। उस समय बिपिन बिहारी यादव युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद पर थे। गौरतलब हो कि यह आंदोलन बिहार प्रदेश के लेवल पर काफी बृहद पैमाने पर हुआ था और बिपिन बिहारी यादव को जेल भी जानी पड़ी थी। पुलिस के द्वारा उन्हें काफी यातनाएं भी झेलनी पड़ी थी। अब 2007 के इस केस में न्यायालय ने बिपिन बिहारी यादव को बरी कर दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं। 2007 में युवा कांग्रेस के द्वारा जब भागलपुर में बिजली और पानी की बड़ी समस्या थी तो एक प्रदर्शन हुआ था। उस प्रदर्शन के दौरान बिजली विभाग के महाप्रबंधक के ऊपर मोबिल डाल दी गई थी, कालिख पोत दिया गया था। उस केस में मुझे मुख्य अभियुक्त बनाया गया था ताकि मैं युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष था और बहुत बड़ा बिहार प्रदेश के लेवल पे इसके आंदोलन हुआ था और मुझे जेल भी जानी पड़ी थी, काफ़ी पुलिस के द्वारा यातनाएं भी दी गई थी। उस केस में 24/34/2007 के केस में माननीय न्यायालय ने आज मुझे बरी किया है। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय न्यायालय का, सम्मान करते हैं कि मुझे आज इस केस से बरी कर दिया गया। भागलपुर के नौगछिया के भवानीपुर में मुखिया गुड़िया देवी के देवर और पूर्व के कुख्यात अपराधी कुमोदी मंडल के भाई रितेश मंडल की अपराधियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद जाप नेता पप्पू यादव मृतक के घर पहुंचे और घर वालों से घटना की जानकारी ली। वहीं इस पूरे मसले पर पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। उन्होंने दावा किया कि अगर उन्हें 3 माह के लिए बिहार का गृह मंत्री बना दिया जाए तो वो बिहार पुलिस के पास जितनी भी गोलियां हैं उसे खत्म कर देंगे और रात भर में ही अपराधियों का सफाया कर दिया जाए। उन्होंने मृतक के बारे में कहा कि वो कमाने खाने वाला व्यक्ति था जिसकी अपराधियों ने हत्या की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बताया है कि 2 अपराधियों को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उन्होंने सरकार से बिहार में अपराध खत्म करने की मांग की। मढ़ी रहा है लगातार, सबसे ज्यादा तो यादवों की हत्या और पिछड़ों की हत्या हो रही है। चंद्रमा यादव कांग्रेस के नेता को मारा आप गए, ब्रजकिशोर जी प्रमुख को मारा आप गए, लगातार कल मनोज यादव, आप लगातार यादवों की हत्या, और आप कह रहे हो कि महागठबंधन की सरकार है और आप एक बार बोलते तक नहीं हो। पप्पू यादव तो हमने तो कभी नहीं देखा जात, इतना बड़ा कोरोना आया और हम 100-100 करोड़ 34 करोड़ रुपया हम सब गरीब के घर में भेजे तो हम तो जादव नहीं था, सबको रेमडेसिविर भेजे तो सबसे ज्यादा ऊंची जात और के लोग थे ऑक्सीजन लेने वाले। पटना में 11 करोड़ रुपया बैठ करके 11 दिन हम खाना खिलाए, वहां तो 22 और ऊंची जात के लोग थे, ज्यादा बहुत कम था। लगातार हम नीलम यादव को आपने टुकड़ी टुकड़ी काट दिया। अब उसके लिए बीजेपी वाले को हमेशा हर घटना को राजनीतिकरण देना है, सत्ता से देखना, ये गलत है। मर्डर मर्डर है, मर्डरर मर्डरर होगा, वो कोई जात नहीं हो सकता। और ऐसे अपराध को नष्टो नाबूद नामो निशान मिटा देने की जरूरत है। अब अपराधी को आप बालू और जमीन माफिया को आप 56 वाले को टिकट दोगे और माफिया को तब कहोगे अपराध मिटा देंगे, ये संभव है? लड़ाई है पप्पू यादव की, परसेप्शन से लड़ाई है। और मेरी लड़ाई यदि सही माने में नीतीश जी आप 2025 और 24 चाहते हैं तो आपको इन माफिया अपराधी नेताओं के नेक्सस के खिलाफ आपको जंग लड़ने की जरूरत है, मिटा देने की। मैंने तो कई बार कहा कि यदि अपराधी की गोली चलती है तो पुलिस की गोली क्यों नहीं चलती है? आप दे दो पप्पू यादव को 3 महीना होम मिनिस्ट्री दे दो, यदि बिहार की सारी गोली निकल ना जाए तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा, मैं दोगला का पैदाइश होगा। सर रात के 12 बजे से शुरू करेंगे, सुबह तक अपराधियों का नामो निशान मिटा देंगे। हम फालतू बात नहीं करते, हमने कहा जब बाघ को तुम मार सकते हो शेर पागल हो जाता है और हाथी को मार सकते हो तो आदमी पागल होता है, उसको क्यों नहीं मारोगे? तो पागल तो हो गया ये लोग कि बच्चे को मारता है, आम आदमी को मारता है, जो कॉमन लोग हैं उसको मारता है, ये छोटी घटना नहीं है।
जब कभी लड़ाई थी आपकी आप मानते आप करते आप लड़ाई लड़ रहे थे, जिससे लड़ाई था आप लड़ते, लेकिन जिससे लड़ाई नहीं आप उसको आप एक आम आदमी को मार दो, निरीह आदमी को मार दो। ये छोटी घटना मैं समझता हूँ कि सरकार को अविलंब इस पर कार्रवाई करना चाहिए, एसपीडी ट्रायल इस केस में करनी चाहिए और फांसी की सजा देनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराने और आर्थिक रूप से संपन्न बनाए जाने को लेकर उद्यमी योजना के तहत सहायता प्रदान कर नए लघु और कुटीर उद्योग खुलवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में महिला उद्यमी स्वीटी कुमारी को उद्योग लगाने के लिए सरकार के द्वारा सहायता राशि प्रदान की गई थी। इसके बाद महिला उद्यमी स्वीटी कुमारी के द्वारा भागलपुर में पहली बार देसी होम फ्लेवर नाम से शुद्ध सरसों तेल का उत्पादन प्रारंभ किया गया। स्वीटी कुमारी ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कच्ची घानी का सरसों तेल शुद्धता के साथ उपलब्ध करना प्रारंभ किया, बल्कि उनकी कंपनी द्वारा लीज पर हजारों एकड़ जमीन लेकर ऑर्गेनिक सरसों की खेती की जा रही है। अब सरसों का फसल लहलहाने भी लगा है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर खेती के दौरान ना तो केमिकल और ना ही खाद का प्रयोग किया जाता है। लोगों के स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे ऑर्गेनिक खेती की लोग जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। मस्टर्ड ऑयल का प्लांट बैठा है, उसमें सरसों तेल का शुद्ध सरसों तेल का मैन्युफैक्चर यूनिट बैठा है। हमारा यूनिट है मंसर नाथ नगर में और ये हमें मुख्यमंत्री महिला उद्योग योजना के तहत हमें ये लाभ मिला है, जिसके तहत हम शुद्ध सरसों तेल का यूनिट बैठाए हैं। और हमारा यही मोटिव है कि हम सबको शहरवासियों को शुद्ध सरसों तेल प्रदान करें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। स्वस्थ है शुद्धता है तो सब स्वास्थ्य ही सब कुछ है। तो शुद्ध खाइए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। यहाँ देसी होम फ्लेवर के जो खेती हो रहा है ऑर्गेनिक तरह से, किसान को काफ़ी लाभ है और यह शुद्ध बिना खाद की यहाँ खेती हो रही है, इससे किसानों में काफी उत्साहित है। और क्या कर रहे हैं यहाँ? देसी होम फ्लेवर के नाम से सैकड़ों बीघा जमीन लिया गया है लीज पे सरसों लगाने के लिए। ऑर्गेनिक खेती हो रहा है और जो है कि स्वास्थ्य के लिए ही, कि स्वास्थ्य सही रहेगा तो सब कुछ सही है। बिना खाद के सरसों उपजाना मैंने करे ककरे के हानि पहुँचाब नहीं, ओकरा खटे छे करे छे उपजाए छे, ओकरा रहते तो सरसों तेल होते, स्वास्थ्य ठीक रहते। भागलपुर में अपने ही संपत्ति पर अवैध कब्जा करने और किरायेदार के द्वारा जबरन पैतृक संपत्ति पर बाउंड्री वाल का अवैध निर्माण कार्य किए जाने को लेकर न्याय की गुहार लगाने तालपुर थाना क्षेत्र के वाजिद अली निवासी साहिबा परवीन वरिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। सीनियर एसपी के नहीं रहने पर पीड़ित महिला सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात के पास पहुंची और आवेदन देकर उचित कार्रवाई कराए जाने की गुहार लगाई। साहिबा परवीन ने बताया कि वो अपने माँ पिता की इकलौती संतान है और 2019 में उसके पिता के अंगुली बेगम और 2019 में उसके पिता ने अंगुली बेगम को किराए पर रखा था। पिता की मृत्यु के बाद उसके किरायेदार और उसकी बहू के द्वारा जबरन संपत्ति हड़पने के लिए काम किया जा रहा है। स्थानीय तारपुर थाना पुलिस को उसके द्वारा कई बार सूचना दी गई, लेकिन स्थानीय पुलिस उसकी मदद करने के बजाय उसको डांट कर थाना से भगा देती है। साथ ही किरायेदार के द्वारा संपत्ति का नकली दस्तावेज तैयार कर संपत्ति पर अधिकार जमाने के लिए कार्य किया जा रहा है। मामले को लेकर न्यायालय में मामला भी दर्ज कराया गया है जो लंबित है। वहीं किरायेदार द्वारा अवैध रूप से घर परिसर में दीवार का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसका विरोध किया तो मेरे पति और परिवार पर रेप केस दर्ज करने की धमकी दी। उक्त मामले को लेकर जब उन्होंने बताया कि जब थाना प्रभारी के समक्ष पहुंचे तो उनके द्वारा फटकार लगाते हुए थाना से बाहर कर दिया गया। वहीं मामले को लेकर न्याय के लिए वरीय अधिकारियों के समक्ष पहुँचे हूँ। हम यहाँ आए सर के पास कम्प्लेन करने के लिए, क्योंकि भाड़ेदार जो है ना हमारे घर में रह गई है, वो मकान खाली नहीं करती है, ऊपर से बोलते हैं तो घर घुस के मारपीट करती है। और हमारे पापा नहीं है घर पे, वो पापा डेट कर गए हैं। सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं, सिर्फ मेरे भाई हुई नहीं है हमें। कितने दिन से जा रही हो? वो 2019 में ही आई थी आकर, वो नकली पेपर बना लिए, बना के घर पे रहती है और परेशान भी बहुत करती है। अब बोलते हैं जहाँ मेरे हस्बैंड की कैसे क्यों करती है, तो उनको एक बार रेप केस में पास आ भी देती है, थाने में जाके देते आवेदन, बोलते हैं तो कुछ यही नहीं करते। थाने वाले आके जो है ना गाली गलौज करके जाते हैं हम ही को। भागलपुर के कहलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत 16 वर्षीय अमित कुमार झा को मंगलवार को 12 बजे दोपहर में घर से बुलाकर एक युवक ने कुएं में फेंक कर मार डाला।
परिवार वालों को इसकी सूचना तकरीबन 3 बजे दोपहर में चली। सूत्रों की माने तो जमीनी विवाद 2014 से ही 2 गुटों में चल रहा था, जिसका खामियाजा 16 वर्षीय अमित झा को चुकाना पड़ा। गौरतलब है कि 2014 से मृतक अमित कुमार के परिवार और सत्यनारायण मंडल के बेटे धनंजय मंडल के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। अमित कुमार के परिवार वालों को धनंजय मंडल कई बार जान से मारने की धमकी दे डाला था, लेकिन अंततः जमीन विवाद में अमित झा को अपनी जान देनी पड़ी। मृतक अमित झा के भाई गौतम कुमार ने बताया कि हमारे बेटे का जन्मदिन था, उसकी तैयारी में मैं व्यस्त था। तभी 12 बजे दोपहर के समय मेरे भाई को गांव के ही कुणाल सिंह ने बुलाया और कुएं में जाकर उसे फेंक कर मार डाला। वहीं गौतम झा ने यह भी बताया कि हम लोगों का जमीनी विवाद धनंजय मंडल से बरसों से चल रहा था, लेकिन इसकी कीमत मेरे भाई को जान देकर चुकानी पड़ेगी, यह हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। हम लोगों को मंगलवार को दोपहर 3 बजे ग्रामीणों के द्वारा पता चला कि मेरे भाई को किसी ने कुएं में जबरन फेंक दिया है। जब हम लोग वहां पहुंचे तो हम लोगों ने देखा कि मेरा भाई कुएं में गिरा पड़ा हुआ है। हम लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे निकाला, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुका था। मौके पर कहलगांव थाना के थाना अध्यक्ष, DSP एवं दर्जनों पुलिस फोर्स पहुंची और कार्रवाई में जुट गई है। कल मतलब जो है घर में खाना बनाने में व्यस्त थे, अपना परिवार फंक्शन था, बेटा का जन्मदिन था, तो पापा नहीं थे और जो हम घर में थे वो आया सवेरे, बुला कर ले गया मेरा भाई को 12 बजे, तो हम कुछ पूछे नहीं। और जब बुला कर ले गया तो उसके बाद जो है 2-3 बजे उधर से आवाज़ हुआ कि भाई को कुणाल सिंह धकेल दिया, कुणाल सिंह इनारों में धकेल दिया किसी के कहने पर। तो मतलब जिससे विवाद था वही उसी के कहने पर मेरा भाई को कुएं इनारों में धकेल दिया गया। सत्यनारायण मंडल उसका पिताजी का नाम था। जमीनी विवाद 2014 से ही चल रहा था, उससे वो धमकी देता था हरदम। हम हरदम SP DSP को RTI लगाए, हरदम जाते थे, हरदम आवेदन देता था, उससे भी पैसा देकर थाना में वो दबा देता था। तो उनके पैसा देकर FIR भी करवा दिया, दूध धूप FIR भी करवा दिया है। वो तो कुछ आदमी का सहयोग से जो है फिर बोला था कि तुम्हारा तुमको जान मार देंगे,